तो आज की क्लास की शुरुआत भी होगी दुबे सर की डायरी से एक छोटी सी कविता के साथ। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तो सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तो सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगा ये बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, घुना क्या किसी के उगाए उगाए। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम। प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तो सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पकना उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम। अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तो सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तो सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। तो नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपका टीचर आशुतोष दुबे और आप लोग मुझे प्यार से दुबे सर के नाम से अच्छे से जानते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बातें सेवंथ ए ग्रुप यानी कि हेलोजन फैमिली के बारे में। सेवंथ ए ग्रुप हेलोजन फैमिली जिसमें आते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टेडीन। आज तारीख है 14 जनवरी 2022 और 14 जनवरी 2022 की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हेलोजन फैमिली। तो आज की क्लास में पूरा चैप्टर तो खत्म नहीं होगा, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले में उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो जल्दी से कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और चैप्टर का नाम लिखिए सेवंथ ए ग्रुप हेलोजन फैमिली। तो बच्चों हेलोजन फैमिली में आज मैं जो टॉपिक अभी शुरू कर रहा हूं उस टॉपिक का हेडिंग हम आपको कॉपी में लिखना है और हेडिंग है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन, तो आपको जो हेडिंग लिखना है वो है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन, देखिए ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन का मीनिंग क्या है बच्चों। ऑक्सी एसिड्स उन्हें बोला जाता है जिनमें ऑक्सीजन जरूर होता है, ओ जरूर होता है, ठीक है। अब ओ जरूर हो ऐसे ऑक्सी एसिड्स हेलोजन के कौन से होंगे, तो पहले तो एक टर्म आया हेलोजन। आपको हेलोजन का मीनिंग पता हो, हेलोजन का मतलब है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो इन चार के आपको ऑक्सी एसिड्स के बारे में पढ़ना है। जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं हेलोजन के, ये मेन चार तरह के होते हैं और वो चार तरह के कौन कौन से हैं जरा समझिए। एक होता है HXO टाइप, एक होता है HXO2 टाइप, एक होता है HXO3 टाइप और एक होता है HXO4 टाइप। HXO, HXO2, HXO3 एंड HXO4, इनके नाम आप कैसे लिखोगे? तो जो सबसे पहले आपने लिखा है HXO, इसको बोला जाता है हाइपोहैलस एसिड। जो दूसरे नंबर पे लिखा है HXO2, इसको बोलते हैं हैलस एसिड। HXO3, इसको बोला जाता है हैलिक एसिड। एंड HXO4, इसको बोलते हैं परहैलिक एसिड। अब आपको करना क्या है, जब आप नाम लिखेंगे तो अगर X की जगह पे Cl है तो हाइपोहैलस एसिड की जगह पे बोल देंगे हाइपोक्लोरस एसिड। अगर यहां पे Cl है तो हाइपो, ये हाइपो ऊपर वाला था, अब अगर यहां पे Cl है तो HXO2, Cl लगाएंगे तो बनेगा HClO2, नाम हो जाएगा क्लोरस एसिड। हैलस की जगह पे लिख देंगे क्लोरस,
यहां पे सीएल है तो नाम हो जाएगा क्लोरिक एसिड। देखिए हैलिक एसिड ऐसे बोलना है तो हैलिक की जगह पे क्या कर देंगे, क्लोरिक बोल देंगे। अगर यहां पे सीएल है मतलब HClO4 तो नाम हो जाएगा, पर हैलिक एसिड था तो हैलिक की जगह पे क्लोरिक लगाना है तो नाम बनेगा पर क्लोरिक एसिड। मैं आपको इन सब के नाम लिख के बता दे रहा हूं, ये आप नोट कर लें। और देखिए वीडियो में एक फायदा होता है, वीडियो लेक्चर में फायदा ये होता है कि टॉपिक टीचर जो है वो जल्दी कंप्लीट कर सकता है। आपको क्या करना है, जो चीज मैं 15 मिनट में यहाँ पे बता दूंगा क्लास में उसमें आधा घंटा एक घंटा लगता है ऑफलाइन क्लास में। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर आप क्या करते हो, नोट करते हो, नोट करने में भी टाइम लगता है। तो अभी जो भी 10-15-20 मिनट में बातें आपको बताई जा रही है, आपको क्या करना है कि बीच बीच में वीडियो को पॉज कर देना, रोक देना, स्टॉप कर दीजिए वीडियो। और वीडियो रोकने के बाद जो भी आपको दिख रहा है उसको पहले कॉपी पे नोट कर लीजिए, और कॉपी पे जब नोट हो जाए उसके बाद वीडियो को आप फिर से स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे क्या है कि टीचर 15-20 मिनट में ही आपको उतनी सारी बातें नोट करवा देगा, समझा देगा, जो बातें ऑफलाइन क्लास में आप 2 घंटे या 2.5 घंटे की क्लास में कवर करते हो। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। और इसके आगे की जो बातें भी बताई जाएंगी तो उनको आपको क्या करना है, जब एक पेज पूरा कंप्लीट हो जाए आपको वीडियो रोकना है, सारी बातों को कॉपी पे लिखना है और उसके बाद फिर से वीडियो आगे बढ़ा देना है। ठीक है, अब मैं जरा क्लोरीन के एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जो क्लोरीन के अगर एग्जांपल से हम देखें तो क्लोरीन के जो बनेंगे एसिड वो इस तरह से बनेंगे। क्लोरीन के एसिड इस तरह से बनेंगे, जैसे HClO, दूसरा बनेगा HClO2, फिर बनेगा HClO3 और फिर बनेगा HClO4। ये 4 बने। अब आपको इनके नाम लिखने हैं। तो देखिए आप नाम कैसे लिखेंगे, नाम बच्चों ऐसे लिखेंगे कि जो सबसे पहले वाला था इसको बोला गया था हाइपोहैलस एसिड। आपको क्या करना है, बस हैलस की जगह पर क्लोरीन से बनेगा क्लोरस, तो हाइपोहैलस की जगह पे नाम हो गया हाइपो क्लोरस, तो इसका नाम हो गया हाइपो, इसका नाम हो गया हाइपो क्लोरस एसिड, हाइपो क्लोरस एसिड। इसी तरह से जो दूसरा है HClO2, इसका नाम हो जाएगा, देखिए मैंने इसका नाम बताया था HXO2 का नाम बताया हैलस एसिड, तो हैलस से क्या बना क्लोरस, ये हो गया क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। इसके बाद देखिए HClO3, HClO3 इसका मैंने नाम आपको बताया था हैलिक एसिड, तो हैलिक एसिड का मतलब क्या हुआ, आपको क्लोरीन जब लगाना है तो क्लोरीन से बन जाएगा क्लोरिक, हैलिक को क्लोरीन में कन्वर्ट करोगे तो क्लोरिक एसिड, तो ये नाम हो गया क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। ठीक है, और इसके बाद HClO4 इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम देखिए क्या अभी बताया था, इसका नाम बताया था पर हैलिक एसिड, तो आपको बस हैलिक की जगह पे क्लोरिक करना है तो नाम बना पर क्लोरिक एसिड, ये हो गया पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक और एसिड। ठीक, तो नाम लिखने का तरीका आपको समझना गया होगा। इसी तरह से HBrO, HBrO2, HBrO3 बना लेंगे, HIO, HIO2, HIO3, HIO4 इस तरह से आयोडीन में बना लेंगे। अब यहां पे आपको एक जरूरी बात ध्यान रखनी है, वो ये मैंने 4 तरह के बताए, मैंने बोला HXO, HXO2, HXO3 एंड HXO4। ये जो बच्चों 4 तरह के बताए हैं इनमें X की जगह पर आप ले सकते थे क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ये 3 लिए जा सकते हैं ClBrI। X की जगह पर आपको फ्लोरीन F नहीं लेना है, फ्लोरीन नहीं लेना है, फ्लोरीन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है,
आपको ध्यान रखना है कि एफ डज नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। तो जो ऑक्सी एसिड्स आप बनाएंगे वो सी एल बी आर एंड आई इनके बनाएंगे। अब आपको HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4 इन चारों में कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं बच्चों, देखिए जरा। एक जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन लोगों में, वो पूछा जा सकता है इनमें एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। देखिए एसिडिक नेचर का ऑर्डर आपको इनमें पता करना है, तो आप एक सिंपल सी बात ध्यान रखिए कि सेंट्रल एटम पर, इन लोगों में जो सेंट्रल एटम है वो एक्स है, मतलब हैलोजन है। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा हो, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा हो उसने एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा आपको बताना है। देखिए एसिडिक नेचर पता करना है, मैंने चार बताए, HXO, HXO2, HXO3 एंड HXO4। जरा इनमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए कितना कितना आ रहा है बच्चों। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो यहां पे X का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। X का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, X का यहां पर X का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5 और यहां पर X का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +7। देखिए +1 +3 +5 +7, और अभी मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा है एसिडिक नेचर भी उतना ही ज्यादा है। अब सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें है सबसे कम, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एसिडिक नेचर का ऑर्डर यहां पर देखेंगे बच्चों तो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। किस तरह से इंक्रीज करेगा, HXO से ज्यादा एसिडिक होगा HXO2, उससे ज्यादा एसिडिक होगा HXO3 और उससे भी ज्यादा एसिडिक होगा HXO4। इसी बात को आप एग्जाम्पल के फॉर्मेट में देख सकते हो, इसी का एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हो, अगर हम Cl यहां पर ले लें तो, अगर Cl ले लें तो HClO से ज्यादा एसिडिक होगा HClO2, इससे भी ज्यादा एसिडिक HClO3 और इससे भी ज्यादा एसिडिक HClO4, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को रोक के इसको फटाफट नोट करिए और उसके बाद फिर आगे की बात पढ़िए, ठीक है। अब ये जो एसिडिक नेचर का ऑर्डर है इसके अलावा भी एक ऑर्डर पूछा जा सकता है, और वो ऑर्डर पूछा जा सकता है इन लोगों की थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि हीट करने पर आपको देखना है कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी में भी आपको यही बात ध्यान रखनी है कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर जितना ज्यादा है, यानी कि एक्स का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा है थर्मल स्टेबिलिटी भी आप उतनी ही ज्यादा बताएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर अभी आप थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, HXO, HXO2, HXO3 एंड HXO4, ये चार तरह के जो थे इनमें ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने लिखा था, ऑक्सीडेशन नंबर X का +1 +3 +5 एंड +7। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है सेंट्रल एटम का, वैसे वैसे इन लोगों में थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। तो बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरह से देखिए आएगा, थर्मल स्टेबिलिटी, और ये इंक्रीज करते जाएंगे। HXO से ज्यादा स्टेबिलिटी HXO2, उससे ज्यादा HXO3 और उससे भी ज्यादा HXO4।
ये हुआ है हमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इसको अगर एग्जांपल से हम देखें, फॉर एग्जांपल, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि HClO से ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी HClO2, इससे ज्यादा HClO3 और उससे भी ज्यादा HClO4। इस तरह से थर्मल स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर हो गया। इसको भी जल्दी से वीडियो रोकिए और फटाफट इसको भी नोट करिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन है ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी कि हमें पता करना है इनमें कौन ऐसा है जो ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में आपको ध्यान रखना है जो हैलोजन के ऑक्सीडाइजर है इनमें जैसे जैसे X का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे